क्वेश्चन नंबर एट, जोनाथन स्विफ्ट स्विफ्ट रोट आई हर्टली हेट एंड डिट्रस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन इन विच बुक। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जोनाथन स्विफ्ट ने ये लाइन किस किताब में कही थी कि मैं उस पशु से, उस इंसान से नफरत करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ जिसे हम मनुष्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलीवर्स ट्रेवल में इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, इसमें कौन सी कहानी है? इसमें बौने वाली कहानी है। इसमें जो गुलीवर होता है वो कहीं जाता है तो वहाँ सब बौने रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो वही इसमें स्टोरी है। और आगे विस्तार से कभी इसको टाइम मिलता है तो पढ़ाएंगे, लेकिन मोटा मोटा ये जानकर रखिए कि इसमें कौन सी स्टोरी है। गुलीवर्स जाता है किसी दूसरे देश में तो वहाँ पे बौने लोग रहते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक इज ए सटायर ऑन। एलेक्जेंडर पोप ने एक लंबी पोयम लिखी है रेप ऑफ द लॉक, ये किस पर व्यंग है? तो फ्रेंड्स, इसको आप लोगों ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा रेप ऑफ द लॉक। इसमें मतलब कि रेप की बात नहीं हो रही है, इसमें बालों की बात हो रही है। और बेलिंडा नामक की ये जो उन्होंने पोयम लिखी थी, इसकी मुख्य किरदार क्या नाम था? बेलिंडा। बेलिंडा के बालों को एक वो होता है लॉर्ड होता है, वो काट देता है, चोरी कर लेता है, तो उसके ऊपर ही वो जो टाइटल बना है रेप ऑफ द लॉक, मतलब उसकी जो चोटी कट जाती है उसके ऊपर ही वहीं से टाइटल लिया गया है। तो बेलिंडा बहुत ही उदास हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि उससे पूछते हैं कि उसके बालों का क्या होगा, तो उसका मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब फेरी होती है, वो क्या कहती है कि उसके जो बाल्स हैं वो आसमान में चले जाएंगे और स्टार्स बन जाएंगे। इस तरह उसको बेलिंडा को चुप कराते हैं क्योंकि वो बहुत रो रही होती है, हैं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो इन्होंने पोयम लिखी थी ये किसकी निंदा करती थी, किसकी आलोचना करती थी? तो इसका सही जवाब है कॉन्टेम्पोरेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ब्रिटेन में जो पैसे वाले लोग थे, कुलीन वर्ग था, वे लोग उन लोगों की निंदा की गई है क्योंकि वे लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और छोटे लोगों को, गरीबों की तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे। तो उनकी जो सोसाइटी थी अमीरों की, उनके ऊपर उसकी ही निंदा की गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर रेप का मीनिंग है स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय कर देना, नुकसान पहुँचाना। तो ये देखिए, द रेप ऑफ द लॉक इज़ ए मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेप ऑफ द लॉक किस तरह की पोयम है? ओड है, एलिजी है, सोनेट है, मॉक पोयम है, मॉक हीरोइक पोयम है? तो आपको क्या बताना है, मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम है ये। ठीक है, इसमें एक कहानी सुनाई गई है, स्टोरी सुनाई गई है, और इसका जो मतलब इसमें आलोचना की गई है, सेटायर किया गया है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें यही स्टोरी है कि बेलिंडा नामक की युवती है, वो सो रही होती है, तो उसको साइफ उसके मतलब उसको गार्ड कर रहे हैं। ये कोई मतलब कि काल्पनिक पात्र इन्होंने बना रखे हैं फेरी करके, तो साइफ हैं वो उसको गार्ड करते हैं, उसके बालों की रक्षा करते हैं, तीन बार रक्षा करते हैं। और वहाँ पे एक बैरन है जो बेलिंडा से विवाह करना चाहता था, वो उसका सूटर है, बेलिंडाज सूटर। ठीक है, बेलिंडा से वह शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, परंतु उसमें कुछ मसला हो गया, उसमें बेलिंडा ने मना कर दिया या जो कुछ था, तो वो जो बैरन था बहुत नाराज़ था और वो उससे बदला लेना चाहता था बेलिंडा से। और उसका ये सोचना था कि इसकी चोटी बहुत सुंदर है और इसको बहुत गर्व है अपनी खूबसूरती पर, तो इसके बाल ही मैं काट लेता हूँ। तो वो तीन बार कोशिश करता है और फिर अंत में उसको कामयाबी मिल जाती है, वो कैंची से उसके बाल काट देता है। ठीक है, ये इसमें स्टोरी है। और जब उसको पता चलता है बेलिंडा को कि उसके बाल कट गए हैं, तो वह बहुत रोती है और जो बैरन होता है वो बहुत ही खुशहाली मनाता है, सेलिब्रेट करता है। अब चलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पे, हुम डज जॉन ड्राइडन सेटायर इन मैक फ्लेक्नो। मैक फ्लेक्नो में जॉन ड्राइडन ने किसकी निंदा की है, किसके ऊपर इन्होंने व्यंग किया है? तो सही जवाब है थॉमस शैडवेल। अगली पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक बात अगले बताएंगे। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए कि थॉमस शैडवेल के ऊपर ये इनकी पुस्तक है मैक फ्लेक्नो, और इनकी और थॉमस शैडवेल की निंदा की है इन्होंने, जॉन ड्राइडन ने। और ये जो मैक फ्लेक्नो है किस तरह की पोयम है, मॉक हीरोइक सेटायर पोयम है। ठीक है, और इन्होंने थॉमस शैडवेल के ऊपर इस पर प्रहार किया है, जो कि उसी काल के एक बड़े राइटर थे, बड़े लेखक थे, कवि थे।
तो अब यहाँ पर आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो हमने क्या बनाया है देखिए, जॉन ड्राइडन, ठीक है, जॉन ड्राइडन से आप बना लीजिए जॉनी डेप, तो ऐसे बना लीजिए कि जॉनी, जॉन से बना लीजिए जॉनी, जॉनी जॉनी डेप डज नॉट लाइक ड्राई मैक। मैक से हमें क्या याद आता है, मैक से हमें आता है मैक आलू टिक्की बर्गर, मैक डोनल्ड्स में जो मिलते हैं मैक आलू टिक्की बर्गर। तो ऐसे बना लीजिए आप शॉर्टकट कि जॉनी डेप डज नॉट लाइक ड्राई मैक आलू टिक्की बर्गर इन टॉम्स मैरिज। तो टॉम थॉमस सैडवेल जो है, देखिए थॉमस में आपको टॉम मिल जाएगा, TOM टॉम, ये ले लीजिए वहाँ से, और शैड से ले लीजिए शादी। मतलब कि ये हम काल्पनिक स्टोरी बना रहे हैं कि जॉन जब आया टॉम की शादी में आया तो उसको ड्राई बर्गर, सूखे बर्गर मिले जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ठीक है, अगली इतनी कहानी आप लोग बना ले जाएंगे तो तुरंत आपको थॉमस शेल्डन मिल जाएगा और आपका एक नंबर एकदम सिक्योर है। ये देखिए हमने यहाँ बनाया है, जॉनी डेप डिड नॉट लाइक ड्राई मैक आलू टिक्की बर्गर इन टॉम्स शादी। तो टॉम शादी से आप पहुँच जाएंगे थॉमस शेल्डन पर। और ये लाइन बहुत आती है, ये देखिए जो ये नीचे लाइन है, ये वाली लाइन बहुत आती है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। इसमें कह रहे हैं कि सारी चीज़ें, जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों ने जो कुछ बनाया है, राजमहल, किले, जो कुछ इन्होंने बनाया है, सड़कें, घर, मकान, वे सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। एंड व्हेन फेट समन्स, और जब भाग्य पलटता है तो बड़े बड़े मोनार्क्स, तानाशाह, वो भी नष्ट हो जाते हैं और उनको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो ये बहुत आता है कि ये लाइन कहाँ से आई है, तो मैक फ्लेकनो से आई है जिसको लिखा है जॉन ड्राइडन ने। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे व्यूवर्स नए हैं वे प्लीज़ घंटी के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, और प्लीज़ 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 आप लोग उसको लाइक कर दीजिए। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। हुम डज जॉन ड्राइडन सेटायर इन एप्सेलम एंड एच टोफेल। इस पोयम में, इस कविता में, इस सेटायर में जॉन ड्राइडन ने किसकी बुराई की है? तो इसका सही जवाब है द अर्ल ऑफ शाफ्ट बेरी। शाफ्ट बेरी की उन्होंने इसमें निंदा की है। और फिर से अगर मैं अगर पूरी आपको बात बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वीडियो बहुत लंबा बने, इसमें आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हम लोग एक शॉर्टकट का सहारा लेंगे। तो देखिए जो एप्सेलम लिखा है वो किस तरह लिख रहा है, किस तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है अब्बू को सलाम। ठीक है, एप्सेलम किस तरह लग रहा है, अब्बू को सलाम, और जो उसका दूसरा वर्ड है एच टोफेल किस तरह लग रहा है, अच्छी टॉफी, जैसे कह रहा हो कि अच्छी टॉफी। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे हम देखिए एप सेलम काम क्या बनाएंगे ट्रिक कि अब्बू को सलाम और एच ई टॉफी को क्या बनाएंगे, अच्छी टॉफी। यानी कि मतलब कोई बेटा कह रहा है कि बेटा अपने भाई से कह रहा है कि अगर अब्बू को सुबह सुबह उठकर तुम सलाम करोगे तो तुम्हें अच्छी टॉफी मिलेगी और बेरीज मिलेगी, बरी बरी तक अगर आप लोग पहुंच गए तो आप लोग शाफ्ट बरी तक पहुंच जाएंगे। और बरीज देखिए मैंने ये फोटो लगा दी है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इतना मेहनत आप लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एप्सेलम यानी कि अब्बू को सलाम, एची टॉफिल माने होता है अच्छी टॉफी, इसको इस तरह बना लीजिए। तो एक लड़का है वो अपने भाई से कह रहा है कि अगर तुम सुबह उठ के अब्बू को सलाम करोगे तो तुम्हें अच्छी टॉफी मिलेगी और बेरीज मिलेगी, बहुत सारी बरी मिलेगी, बेरीज मिलेगी। तो यहाँ से बरी पहुँच जाएंगे तो आप शाफ्ट बरी पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली जो पोयम है इस 21 सब्जेक्ट पर है, ये देख लेते हैं। ये जो पोयम थी पहली बार कब पब्लिश हुई थी, एप्सेलम एंड एचिटोफेल, ये 1681 में ये पब्लिश हुई थी। और इसमें कौन सी कहानी है, इसमें बाइबल से कहानी ली गई है जिसमें जिसमें एप्सेलम एक वो होता है, वो अपने राजा किंग डेविड के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और ये जो कहानी है ये रूपक अलंकार में किसकी कहानी सुनाती है, उससे पहले किंग चार्ल्स सेकेंड और एक्सक्लूशन क्राइसिस की कहानी सुनाती है, जो कि और विस्तार से उसको बाद में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा अभी समझ लीजिए कि एप्सेलम की कहानी है जो कि अपने राजा किंग डेविड के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ एप्सेलम एंड एच टोफेल,
तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि अब्बू को सलाम करोगे तो अच्छी अच्छी टॉफ़ी मिलेगी और बरी मिलेगी, यानी कि बैरी मिलेगी। तो वहाँ पे शाफ्ट बैरी के ऊपर इन्होंने इसमें प्रहार किया है, उनका व्यंग्य किया है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पे। जियोफ्रे चाउसर्स मोस्ट शार्प सटायर एंड पावरफुल सटायर इज सीन इन। जियोफ्रे चाउसर ने सबसे अधिक किस पर किसकी वो की है, निंदा किसकी की है, सबसे ज़्यादा व्यंग्य किस पर किया है? तो सही ऑप्शन है द क्लर्जी। उस समय के जो पादरी होते थे वे बहुत ही लैविश लाइफ स्टाइल की ज़िंदगी जी रहे थे, अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते थे, गरीबों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। तो इन्होंने देखिए, जियोफ्रे चाउसर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तक है द कैंटरबरी टेल्स, इसमें 24 कहानियाँ हैं। ठीक है, इसमें 24 पिलग्रिम स्टोरीज हैं, मतलब कि तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते हैं, तो 24 इस तरह की कहानियाँ हैं। तो उस समय क्या हालात थे कि जो क्लर्जी थे, पादरी थे, वे बहुत ही वैसा जीवन जी रहे थे जिसमें विलासिता होती थी बहुत, वो अपना ऐश्वर्य से रह रहे थे, जबकि जो बाकी इंग्लैंड था वो बहुत ही संकटों से जूझ रहा था। देखिए मैंने लाल रंग में कर दिया है, फैमीन, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, लेबर वहाँ पे नहीं था, बहुत सारी बीमारियाँ फैली थी और ब्यूबोनिक प्लेग वहाँ पे फैला हुआ था। और जो ये मतलब जो चर्च वाले होते थे, क्लर्जी होते थे, ये अपना बहुत ही मज़े से जी रहे थे और गरीबों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। तो उनके ऊपर ही इन्होंने व्यंग्य किया है, जियोफ्रे चाउसर ने। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पे। हुम डस जियोफ्रे चाउसर सेटराइजेस इन, फॉर ही हैड ए पावर ऑफ कन्फेशन एज एज सीड हिमसेल्फ मोर देन ए क्यूरेट फॉर ऑफिस ऑर्डर ही वास लाइसेंसियाट फुल स्वीटली हर्ड ही कन्फेशन एंड प्लेजेंट वास हिज एब्सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ है ये पुरानी इंग्लिश में लिखा है, इसलिए ये इतना कठिन है। ठीक है, तो ये जो अच्छा इसमें किसका इन्होंने व्यंग्य किया है, सटायर किस पे किया है, तो है फ्रायर। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आगे क्या हो रहा है। तो ये जो पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं 5 लाइन का, ये पुरानी इंग्लिश में है, अगर इसको हम मॉडर्न इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, अगर मॉडर्न इंग्लिश में लिखेंगे तो ये बनेगा फॉर हिज पावर ऑफ कन्फेशन मेट नो इक्वलिटी, मतलब जो क्लर्जी था, पादरी था, उसके पास बहुत पावर था, दैट्स वाट ही सेड इन द कन्फेशन टू ए क्यूरेट, और वो खुद कहता था कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। फॉर हिज ऑर्डर ही वाज ए लाइसेंसिएट, उसके पास लाइसेंस था, ही हर्ड कन्फेशन जेंटली, इट वाज सेड जेंटली एब्सॉल्व सो लीविंग नो ड्रेड। तो इसमें जो कहानी है कैंटरबरी टेल्स में, फ्रायर नाम का एक पादरी था, उसके ऊपर ही कहानी है। और वो अपने को क्या कहता था, ही वॉज द फाइनेस्ट बेगर ऑफ हिस हाउस, वो बहुत बड़ा मांगने वाला था, मांगता था बहुत बड़ा, लोगों से पैसे मांगता था, बहुत ही लालची होते थे उस समय के पादरी। और फ्रेंड्स कैंटरबरी टेल्स में 24 कहानियाँ हैं, और कितने लाइन्स की है ये, 17,000 लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए मैनली मैन टू बी एन ए बट, अब एबेट माने होता है मंक, बस यहीं पे हमारा आंसर निकल गया। एबेट माने होता है मंक, मतलब जो मठ में जो लोग काम करते हैं, मठाधीश होता है, वही एबट होता है। ठीक है, तो यही इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं, किसके बारे में है, तो मंक के बारे में है, एबट से ही आप पकड़ लेंगे। तो ए मैनली मैन टू बी एन एबट एबल, एक मर्दाना शरीर वाला व्यक्ति जो मठाधीश बनने के योग्य है। फुल मैनी ए डिंटी डिंटी अर्स हैड ए ही इज स्टेबल, और उसके अस्तबल में बहुत सारे अच्छे अच्छे घोड़े हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाउजर ने इसमें किसके बारे में बात की है, किसके बारे में है, तो सही जवाब है मंक। जो इसमें एबर्ट लिखा है वहीं से आप लोग पकड़ लेंगे। ये इसको जो ये जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ए मंक देयर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉर्ट, इस तरह करके आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। अब ये पूरी कहानी है कि जो एक मंक था, इसमें जियोफ्रे चाउसर ने एक मंक मठाधीश के बारे में बताया है जो कि बहुत ही फैशनेबल था, वो घोड़े से चलता था और उसकी मतलब फैशन बहुत करता था। तो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही करता था, जबकि और लोग कहते थे कि मंक को, मठाधीश को बहुत ही सिंपल जीवन जीना चाहिए, पर जियोफ्रे चाउसर कहते हैं कि नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो सही करता था। ठीक है, और शिकार पे जाता था, उसको शिकार करना बहुत पसंद था उस मंक को।
तो ये पूरी कहानी आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। जॉन ड्राइडन्स द मेडल इज ए पर्सनल सटायर ऑन, जॉन ड्राइडन ने लिखा है द मेडल, ये किसके ऊपर व्यंग्य किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है द अर्ल ऑफ शाफ्ट बरी। देखिए यहाँ पे बरी फिर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बना देंगे, यहाँ पे हम ट्रिक क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ट्रिक बनाएंगे कि जॉनी डेप विंस ए मेडल ऑन शायरी टेस्ट। शाफ्ट्स है उसको हम क्या लिख देंगे, एस एच ए को हम बना देंगे, जो एस एच ए है वहाँ से बना देंगे शायरी, और टी ई एस से बना देंगे टेस्ट, शायरी टेस्ट। तो जॉनी डेप को क्या मिला, शायरी के टेस्ट में मेडल मिला। ठीक है, तो एक बार फिर से आप आइए इधर, तो जब मेडल की बात आएगी तो आप लोग क्या बनाएंगे ट्रिक कि जॉनी डेप को शायरी टेस्ट में मेडल मिला, उसने शायरी बहुत अच्छी की, तो तुरंत ही जैसे आप शायरी टेस्ट में आएंगे वैसे तुरंत शाफ्ट बेरी पे आप पहुंच जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, नाउ सी इज एट रेस्ट, सो एम एंड सो एम आई। यहाँ पर मेरी पत्नी लेटी हुई है और वह विश्राम कर रही है, उसको विश्राम करने दो, और क्योंकि वो विश्राम कर रही है इसलिए मैं भी अब निश्चिंत हो गया हूँ, मैं भी विश्राम कर रहा हूँ। तो ये लाइनें कहाँ लिखी हैं? तो फ्रेंड सही जवाब है कि जॉन ड्राइडन की पत्नी जो थी उनकी कब्र के पत्थर पर ये लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सही जवाब है जॉन ड्राइडन, और इनकी इनकी वाइफ का क्या नाम था, लेडी विटमोर, और इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी एपिटफ ऑन द लेडी विटमोर। चलेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 पे। सैमुअल्स बटलर हुडी ब्रास इज ए सटायर ऑन। ठीक है, सैमुअल बटलर महोदय ने हुडी ब्रास एक रचना लिखी है, वो किसके ऊपर इन्होंने व्यंग्य किया है, किसकी इन्होंने बुराई की है? तो इसका सही जवाब है प्यूरिटेनिज्म। ठीक है, प्यूरिटेनिज्म। चलिए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी वो पता कर लेते हैं कि ट्रिक किसने हमने बताया, हुडी ब्रास। तो देखिए हुडी ब्रास, एच यू से बना लीजिए हुजूर। ठीक है, दी से बना लीजिए दिवाली, ब्रास से बना लीजिए ब्राह्मणों को, हुजूर दिवाली में ब्राह्मणों को। अब हमको किसी तरह सैमुअल बटलर लेके आना है, तो सैम से बना लीजिए सैमसंग का फ़ोन, और बट से बना लीजिए बिना बटन। ठीक है, और प्यूरिटेनिज्म भी हमको दिखाना है तो बना लीजिए कि पूरे मन से। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ये बन जाएगी कि हुजूर दिवाली में ब्राह्मणों को सैमसंग वाला फ़ोन दो जो बिना बटन का होता है, यानी कि स्मार्टफोन दो पूरे मन से, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, ये देखिए आगे आपको दिखाता है, ये देखिए अगर आपके अगले ये सवाल कभी आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हुडी ब्रास, तो आपको तुरंत क्या बनाना है, एच यू से क्या बनेगा हुजूर, डी से क्या बनेगा दिवाली में, ब्रा से बनेगा ब्राह्मण को, सैम से बनेगा सैमसंग फोन, बट से क्या बनेगा बिना बटन वाला, प्यूरिटेनिज्म से क्या बनेगा पूरे मन से। तो ट्रिक हमारी क्या बन जाएगी, हुजूर दिवाली में ब्राह्मण को सैमसंग फोन बिना बटन वाला यानी कि स्मार्टफोन गिफ्ट करो पूरे मन से, तभी आपका कल्याण होगा। और ये जो हुडी ब्रास में किसकी कहानी है आपको बताते हैं, अच्छा किसमें इन्होंने किसकी बुराई की है, तो प्यूरिटन्स की इन्होंने बुराई की है। जो प्यूरिटन्स ये होते थे 16th 17th सेंचुरी में, प्यूरिटन्स जो थे आप कह सकते हैं जैसे हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में साधु लोग होते हैं, वे कहते हैं कि मौज मस्ती का जीवन जीवन से दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आनंद नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सादा हो सिंपल हो। ठीक है, तो प्यूरिटन्स जो थे वो बाइबल की कहानियाँ लोगों को सुनाते थे, बाइबल की शिक्षाएं देते थे, और कहते थे कि मनोरंजन ना करो। और आपको बता दें कि प्यूरिटन्स ने ही विलियम शेक्सपियर और दूसरे नाटककारों का नाटक बंद करवा दिया था, वहाँ पर जितने नाटक घर थे ब्रिटेन में वो सब बंद करवा दिए थे, और उसमें प्यूरिटन्स का ही पूरा हाथ था, क्योंकि वो लोग मनोरंजन के बहुत खिलाफ थे, और कई बार नाटक होते समय उसमें मजाक होता था या अश्लील इशारे वगैरह होते थे, तो प्यूरिटन्स ये कहते थे कि नाटक जो है नाटक के सहारे बहुत ही बुरी चीज़ें हो रही हैं, बुरे काम हो रहे हैं, तो उन लोगों ने ही नाटक बंद करवा दिए थे 16th और 17th सेंचुरी में, उनको ये बोलते हैं प्यूरिटन्स। ठीक है, और जो इनकी पुस्तक है हुडी ब्रास, इसमें राउंड हेड्स की बुराई की गई है, प्यूरिटन्स की बुराई की गई है, और एक तीसरा और है प्री सिबिस्टेरियंस की बुराई की गई है।
इसमें कौन सी कहानी है, एक नाइट की कहानी है, सर हुडी ब्रासी कहानी है जो कि, और जो भी इसमें आ गया है ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तुम्हें टाइम फिर लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विलियम लैंग लैंड्स पायर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन। विलियम लैंग लैंड्स महोदय ने ये रचना लिखी है, पायर्स द प्लोमैन किसके ऊपर लिखी है? तो सही जवाब है करप्ट क्लर्जी मैन ऑफ हिस टाइम। फिर से हमको पता चलता है जैसे जियोफ्रे चाउजर ने भी जो क्लर्जी थे उनकी बुराइयां की थी, तो विलियम लैंगलैंड ने भी बुराइयां की हैं क्योंकि उस समय पादरी बहुत ही भ्रष्ट हुआ करते थे। और इसमें किसकी कहानी है, पायर्स प्लोमैन में किसकी कहानी है? रॉबिन हुड टेल्स की कहानी है, रॉबिन हुड जो अमीरों से पैसा लेता था और गरीबों को देता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हु रोट द फर्स्ट सेटायरिकल पोयम पायर्स द प्लोमैन? ठीक है, अब ये सवाल आ जाए तो आप कैसे करेंगे? विलियम लैंगलैंड, तो आप ऐसे करेंगे ए पुअर प्लोमैन, प्लो से आप वो क्या होता है जो जिसे हम लोग खेत जोतते हैं, प्लो यानी कि हल। ठीक है, तो आप ये बना लीजिए कि एक गरीब मतलब हल वाला है, वो दूसरे के खेतों में काम करता है, तो ए पुअर प्लोमैन्स विल टू बाय ए पीस ऑफ लैंड। एक बेचारा किसान है जो जो मेहनत कर रहा है दूसरे के खेत में, तो उसकी क्या इच्छा है कि उसको भी एक लैंड मिल जाए, उसकी भी इच्छा है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बन गई ट्रिक, ए पुअर प्लोमैंस विल टू बाय ए पीस ऑफ लैंड, तो विल और लैंड से हम पहुँच जाएंगे विलियम लैंगलैंड पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हुम डस ड्राइडन सेटायर अंडर द नेम ऑफ जिमरी इन एप्सेलम एंड एसीटोफिल? तो इसका सही जवाब है डी द ड्यूक ऑफ बकिंगम। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके जो दोस्त हैं उनको भी प्लीज़ बता दीजिए, और जो भी वीडियोस आप लोग चाहते हैं कृपया हमको बताइए स्पेशली कि हम किस पे बनाएं। ज़्यादातर तो लोग कह रहे हैं सर मैं तैयारी करवा दीजिए, तैयारी करवा दीजिए, आप हमें टॉपिक्स तो बताइए, आप हमें टॉपिक्स ही नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूँगा बताइए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।